ओम अज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मे ददाति शोपदान्तिकम्। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टम् मनोभीष्टम् स्थापित येन भूतले। आप लोग तो मन में ही मंगलाचरण करे तो अच्छा होगा कि डिस्टर्ब हो रहा है। तो सब साउंड ऑफ रखेंगे अपना। डिस्टर्बेंस है। यस तो अपना माइक जो है सभी भक्त अनम्यूट रखे क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है। हरे कृष्णा। आप सभी सुन रहे हैं तो कृपा करके अपना माइक अनम्यूट कर दें और फिर आप क्योंकि आपके बहुत सारी आवाजें डिस्टर्ब होती हैं। थैंक यू। प्राय सभी भक्तों ने अपना वीडियो ऑन रख सकते हो लेकिन माइक अनम्यूट रखेंगे। ओके थैंक यू। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरु न वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखांबितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियै वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी प्यारे श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और आप सबकी जो भगवत कथा के प्रति
कृष्ण लीला कथा के प्रति जो निष्ठा है, जो कथा सुनने की प्यास है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यही वैष्णव का परम धन है। और हम बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध और प्रेममय प्रसंग का चर्चा कर रहे हैं, श्री उद्धव संदेश, जिसका एक अन्य नाम भ्रमर गीत भी हो सकता है। लेकिन भ्रमर गीत तो फिर कभी कहेंगे, अभी उद्धव जी को व्रज में भेज के नंद यशोदा से मिला देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और संभवामी युगे युगे पृथ्वी पर प्रकट होकर लीला करते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है कि मानुषं तनुम आश्रित, ये जो नर वपु भगवान का स्वरूप है, वो साक्षात कृष्ण जो प्रकट होते हैं, तो अनुग्रहाय भूतानां मानुषं तनुम आश्रितम्, भगवान की ये जो मधुर लीला है उसको सुनकर श्रुत्वा तत्परो भवे, हम कर्म बंधन से जन्म मृत्यु से छूटकर भगवत धाम की ओर अग्रसर होते हैं। तो नवदा भक्ति का ये प्रथम साधन है श्रवण, और अभी सावन मास चल रहा है, तो ये सावन मास श्रवण का महीना है, इसमें हमें सुनना है भगवान की मधुर लीलाओं। और भाद्र मास प्रारंभ है तो भगवान का जन्म भी होगा, और उसी उपलक्ष में इसको हम श्री गिरिराज गोवर्धन में आश्रित हमारे महाविद्यालय के प्रेमी भक्तों ने हम सबके लिए श्रवण कीर्तन का ये सुंदर अवसर दिया है, कृष्ण कथा रिट्रीट। तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सभी को, और आइए इस प्रसंग में हम प्रवेश करें जिसके हम कल चर्चा कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं गंगा तट पर श्री शुक उवाच, हम उसको गा लेते हैं एक दो श्लोक। वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा तमाहं भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिना क्वचे गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नार्ति हरो तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दैतं पृष्ट आत्मनां मनसा एत्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहम्। तीसरा श्लोक 10:43:3 गच्छोद्धव व्रजं सौम्या प्रीतो पित्रो नो प्रीतिमावहन् गोपीनां मद्वियोगादि मत्संदेशे विमोहयन्। चौथा तो हमने पहले बोल दिया था, और एक पांचवा श्लोक मैतां प्रेयसां पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रिया स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ विह्वला।
धारयन्त्यतिकृच्छेण प्राय प्राणां कथञ्चन प्रत्यागमन सन्देशे पलव्यो मे मदात्मिका। तो इस तरह भगवान सुखदेव श्री उद्धव जी और कृष्ण का प्रेममयी चर्चा जो श्रीधाम मथुरा में हुआ था इसका वर्णन कर रहे हैं। तो वृष्णी नाम कल हम चर्चा किए थे कि वर्षंती इति वृष्णी, जो उदार चित्त वाला हो और हमेशा दया की करुणा की वर्षा करे, ऐसे वृष्णी के पावन वंश में प्रवर अर्थात जो श्रेष्ठ है। और भगवान श्री कृष्ण ने चूज किया, चुना श्री उद्धव को ब्रज वृंदावन में गोपियों को संदेश देने के, या ये कहिए कि गोपियों से संदेश लेने के, जो भी हो। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मेरा मित्र, ये मेरा कजिन ब्रदर, ये मेरा भाई, जो भी कहिए, न्याय शास्त्र नीति शास्त्र और उपनिषद वेद पुराण बृहस्पति से सब कुछ पढ़ के आया है, लेकिन मेरा मित्र है तो मेरी तरह पूर्ण होना चाहिए, भगवान ये चाहते हैं। और जब तक ये प्रेम शास्त्र नहीं पढ़ेगा तब तक अपूर्ण होगा। वो बड़ा प्राचीन दोहा है ना, पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो भगवान का दूसरा नाम है प्रेम, तो प्रेम स्वरूप है प्रभु। और भगवान ने सोचा कि ये सब कुछ पढ़ा है लेकिन प्रेम शास्त्र नहीं पढ़ा, और प्रेम शास्त्र पढ़ाएगी इसको ब्रज की गोपियां। उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। तो वृंदावन की ब्रज गोपियां हमारे सखा को प्रेम का पाठ पढ़ाए। अर्थात भक्तों, बाह्य रूप से तो भगवान उद्धव को गोपियों को संदेश देने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वास्तव में उद्धव जी पढ़ने गए लेकिन खुद पढ़ के आएंगे, पढ़ाने गए थे लेकिन पढ़ के आएंगे। तो गोपियां इनको प्रेम का संदेश देंगे, ये क्या देंगे उनको, क्योंकि भक्तों उद्धव जो है वो विभूति है और ब्रज गोपिया जो है वो स्वरूप है। आप लोग अगर थोड़ा तात्विक चर्चा सुनना चाहते हो तो विभूति और स्वरूप में अंत, स्वरूप मुख्य माना जाता है। जैसे गीता में भगवान ने विभूति योग में बहुत सारी विभूतियां बताई, और आप लोग अगर भागवत में 11वें स्कंध में पढ़े होंगे उद्धव गीता, तो वहां पर तो भगवान ने यह तक बोल दिया कि वृष्णाम उद्धव अस्मि, वृष्णि वंशियों में मैं उद्धव हूँ। तो उद्धव भगवान की विभूति है, लेकिन गोपियां तो भगवान का आलादिनी शक्ति अंश विस्तार स्वरूप शक्तियां है। इसलिए विभूति क्या पढ़ाएगा, स्वरूप पढ़ाएंगे विभूति, ये प्रेम शास्त्र। इसलिए भगवान उद्धव को ब्रज में भेज रहे। दूसरी बात, कल हम चर्चा किए थे, कई बार कहते कि नंद यशोदा को ही बुला लेते, सारे ब्रजवासियों को ही बुला लेते मथुरा प्रभु जी, अगर आप जानते हो कि वो विरह में है पर आप भी उनके प्रेम में वशीभूत होकर कहीं आपको भी व्याकुलता है, तो हे ठाकुर जी आप नंद यशोदा को, सखा मंडल को, सखी मंडल को मथुरा बुला लीजिए ना। लेकिन भगवान नहीं बुलाए, इसके पीछे भी हमारे आचार्यों ने मत दिया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा जो है वो ऐश्वर्य प्रधान है और ब्रज वृंदावन माधुर्य प्रधान है, और वृंदावन के नंद यशोदा ब्रजवासी सारे पार्षद भी तो माधुर्य रस में मस्त है, स्थित है। तो यहाँ बुला दे तो रसा भास हो जाए, पहली बात तो ये रसा भास स्वाभाविक है होना,
इसलिए भगवान ने उस ऐश्वर्य मिश्रित या ऐश्वर्य प्रधान धाम मथुरा में नहीं बुलाया। अब मथुरा में भी तो रस है, वात्सल्य रस है, साख्य रस है, लेकिन वहां के माधुर्य या साख्य या वात्सल्य आदि रस प्रधान भक्तों में ऐश्वर्य अधिक रहता है भगवान के, क्योंकि मथुरा में भगवान का आवेश होता है कि मैं वसुदेव का लड़का हूं, मैं शौरी हूं। इसलिए जो पूर्णतम लीला अर्थात वेणु माधुरी रास आदि लीला और साख्य रस में जो मर्यादा अतीत पूर्णतम प्रकाश जो भगवान श्रीधाम वृंदावन में करते हैं, वे मथुरा में नहीं करते। इसलिए भगवान की लीला में रसाभास न हो इसलिए उनको तो यहाँ नहीं बुलाया। अच्छा तो खुद ही चले जाते प्रभु जी, आप तो माधुर्य सार विग्रह हो श्री माधव, तो आप मथुरा से चले जाओ ना, उद्धव को भेज रहे हो, खुद ही जाओ प्रभु जी। लेकिन खुद भी नहीं जा सकते, जिसकी हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि एक कारण यह भी था कि मथुरा को बचाना था, क्योंकि कंस को मारते ही कंस का जो ससुर था, जो एक नंबर का असुर था, कृष्ण बलराम का कोई ना कसूर था, फिर भी वो ससुर आता रहता था और असुरता दिखाता रहता। इसलिए भगवान नंद वसुदेव देव जी को वात्सल्य रस तो देना था और उनको कहा था कि मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन साथ साथ में पूरे मथुरा को बचाना भी था जरासंघ के आक्रमण से जो मगध देश से आता था, और मगध देश मतलब हमारे भारत का बिहार, आज भी लोहा मानते हैं बिहार के बच्चे, कहते हैं कि पेट में ही पॉलिटिक्स सीख के आते ऐसे लोग कहते हैं, सत्य तो आप लोग जाना तो बिहार का अपना एक महिमा है, तो जरासंघ वहां का था, इसलिए भगवान चाहते हुए भी नहीं जा पाते वृंदावन। इसीलिए और कोई रास्ता नहीं, तो भगवान ने अपने सखा श्री उद्धव जी को चुना। अच्छा एक प्रश्न मैंने कल रखा था इस तरह की चर्चा में कि भगवान उद्धव को आज ऐसा क्या था कि भेज रहे विशेष रूप से, तो दूसरे श्लोक में जैसे वर्णन है इसे कल का श्लोक और भी चिंतन हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करेंगे तो एक ही श्लोक 5-5 दिन तक चलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 5 दिन में कम से कम 10-15 श्लोक तो चल जाए इस अध्याय की। फिर भी मैं कुछ पीछे जाऊंगा अगर इसके मिलान वाली कोई बात आई तो जैसे दूसरे श्लोक में है कि तमाह भगवान प्रेष्ठं भक्तमेकांतिना क्वचित क्वचित, एक अवसर पर किसी समय, क्वचित किसी समय भगवान ने तम आह उस उद्धव को आह बुलाया। कथम भूतम उद्धव, कैसे थे उद्धव, तो इस श्लोक में उद्धव के 3 विशेषण बताए गए। एक तो वर्णन है भक्त, दूसरा है प्रेष्ठ और तीसरा एकांतिन। तमाह भगवान प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब प्राण से भी अधिक प्रिय, अतिशय प्रियता आत्मीयता वो तो उसे प्रेष्ठ कहते हैं, राइट। तो प्रेष्ठ है उद्धव, दूसरे भक्त है और तीसरा एकांतिन। तो ऐसे एकांतिक प्रेष्ठ भक्त को भगवान ने क्वचित किसी समय एक दिन आह बुलाया। अब ये इसका श्लोक का हिंदी हुआ सरल भाव में बुलाया, तो भाई आज ये कौन सा दिन है और ऐसा ठाकुर जी के मन में क्या है कि भगवान ने उद्धव को बुलाया। चलो उद्धव की क्वालिटी है कि वो एकांतिन है, भक्त है और पृष्ठ है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं कल जहां से छोड़ा था उसकी उस प्रश्न से क्यों कौन से दिन भेजा या क्यों भेजा और क्या मन में था कि उद्धव को भेजा, तो इसकी चर्चा करके फिर इस श्लोक का चिंतन मंथन करेंगे। तो भक्तों, और ये करना चाहिए, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो श्लोक में रहिए या दूसरा श्लोक में रहिए।
तो संसार तो शोक में है ही है, हम वैष्णव को शोक से शोक में नहीं, भगवद गीता भागवतम के श्लोकों में रहना चाहिए, है ना। तो इसी तरह हम भक्तों का आश्रय लेंगे और ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत का, तो निश्चित हम श्लोकों में रहेंगे तो हमारा जीवन भी श्लाघनीय प्रशंसनीय हो जाए। नहीं तो शोक तो साम्राज्य सर्वत्र है, लेकिन भागवत के श्लोकों की महिमा है, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणा, है ना, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। पार्वतीस्कंद जैसे सुखदेव जी ने कहा कि ये भागवत के श्लोक, ये भागवत की कथाएं, भगवान और भक्ति और भक्त की इतनी त्रिवेणी है कि किसी भी व्यक्ति के शोक अर्णव समुद्र को सुखा, और फिर उसका चित्त आनंद में मस्त होगा। प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम की अवस्था सहज हम वैष्णवों को प्राप्त हो। इसीलिए थोड़ा सा अपने चित्त को सावधान करते हुए हमें ये जो श्लोक है वो साक्षात कृष्ण के स्वरूप है, पर कृष्ण लीलामय होने के कारण ये श्लोकों का श्रवण कीर्तन हमें भी कृष्णमय बना दे, ये हमारे आचार्यों का कहना। इसलिए हम महाजनों गत सपन था, हम उसी पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो देखो दो प्रकार के कवि होते हैं, उत्तर दे रहा हूं। एक प्राकृत कवि जो छंद अलंकारों में प्रास आदि मिलाकर किसी भी बात को बड़ी काव्यात्मक ढंग से सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, है ना, इसको आप कवि कहते हो। और एक कवि आदि कवये, जैसे भागवत में शब्द आया है, और ऐसे कवियों की भी अपनी विशेषताएं हैं, सर्वम गच्छति सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति इति कवि। अब इस तरह कवि की व्याख्या करें तो कौन है कवि, तो फिर केवल कृष्ण ही बचेंगे असली कवि, और कृष्ण के अवतार व्यास वाल्मीकि और ब्रह्मा आदि कवि, जैसे हम लोग भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी को मानते, लेकिन रामायण में आदि काव्य जो लिखा वाल्मीकि महर्षि ने तो वो भी तो कवि है। कवितम वंदे शाखा वाल्मीकि, आप सब सुने होंगे वाल्मीकि रामायण, राइट। और भगवान व्यास, वो तो भगवान के शक्त्याविश, सारे वेदों का विस्तार वो तो है ही है, महास्कॉलर कवि कवि, और उनके लिए लागू होता है सर्वम जानाति, और व्यास सब कुछ जानते हैं, वाल्मीकि सब कुछ जानते हैं, ब्रह्मा सब कुछ जानते हैं, और सर्वम जानते ही नहीं, जो जानते हो वर्णन कर सकते श्लोकों में, सब लोग कई लोगों से जानते लेकिन वर्णन नहीं कर सकते, प्रस्तुतिकरण की कला नहीं होती है, नॉलेज होता है लेकिन चलो जो प्रस्तुतिकरण जानता है, डिलीवरी सिस्टम प्रचार में बड़ा माहिर है, लेकिन वो जो वर्णन करता है न गच्छति, सब जगह जा नहीं सकता। जैसे हम वर्णन करते कि स्वर्ग में उर्वशी नाचती है तो भगवान इंद्रदेव के सामने, तो उस समय सारे देवता एक तक देखते रहते, अब ये वर्णन तो हम कर सकते हैं लेकिन स्वर्ग गए नहीं हम, और ना तो जा सकते हैं और जाना भी नहीं है, नहीं तो फिर फोटो में बैठना पड़ेगा, स्वर्गवासी हो जाएंगे, तो हमें स्वर्गवासी थोड़ी होना है, हमें तो ब्रजवासी होना, हमें वासी भी नहीं होना स्वर्गवासी भी नहीं होना, हमें तो ब्रजवासी होना है। तो लेकिन हम कभी लोग वर्णन करते हैं लेकिन वहां जा नहीं, लेकिन व्यास को जा सकते, ब्रह्मा भी जा सकते, वाल्मीकि भी, क्योंकि उनके पास वो योग है, वो शक्ति है, भक्ति का प्रताप, तो वो लोग असली कवि, इसलिए इनको हम प्राकृत कवि नहीं कह सकते, अप्राकृत है, एक गुणावतार एक शक्त्याविश अवतार एक कृपा पात्र है। एनीवे इस तरह तो लंबी व्याख्या हो जाएगी भक्तजनों, लेकिन मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि उद्धव को क्वचित एक दिन भगवान ने उद्धव को बुलाया, तो वो क्या था, तो एक प्राकृत कवि का वर्णन है कि इसके उत्तर में कि एक दिन संध्या के समय भगवान मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना तट पर टहल रहे, होता है ना वॉकिंग संध्या समय तक, और उस समय भगवान श्री कृष्ण के चित्त में शांति थी, और उसी समय यमुना जी की कलकल बहती धारा जो है बह रही थी, और उसमें भगवान की नजर गई कि पानी में एक पीला सुवर्ण कमल खिला हुआ बहता हुआ जा रहा है,
और ये पीले खिले हुए बहते हुए यमुना में कमल को देखकर कृष्ण को राधा रानी का मुखचंद मुखारविंद स्मरण हो गए। अब ये आप सुने हो सब, अवृत कालिंदिनी रे राजो हंस के करे ताहे शोभे कनक कमला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रताना मंदिर मनोहारा। ताहे शोभे कनक कमल, कनक मतलब सुवर्ण सोना पीला चमकता हुआ कमल देखकर कृष्ण को श्री राधा मुखारविंद की मुख चंद्र की छवि छटा चित्त में उभर गई और राधा मिलन की जो हृदय में उत्कंठा आशा है, वो जो भाव है, वो कृष्ण के नैनों से अश्रु रूप में गिरने लगा। हा राधा, हे राधे, भगवान को स्मरण हो गया श्री जी का, श्री राधा कृष्णानु नंदिनी जी का। और उसी समय भगवान ने सोचा कि कुछ भी हो, मुझे मुझे राधा को मेरे विरह में वो भी होगी और मुझे भी यहाँ सुख नहीं चैन नहीं। उसी समय उद्धव जी वहां पर आए और भगवान ने उद्धव को कहा। अब ये वर्णन तो सुनने में अच्छा लगता है और सत्य भी है कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में। लेकिन देखो यहाँ प्राकृत कवि के इस वर्णन में क्या एक दोष है। अब देखो विद्वानों का सभा समाज लगता है तो गुण दोष तो किसी की कथा में और किसी भी काव्य में और उसमें भी निकालना हो तो फिर मिल ही जाता है। महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को कहा ना कि दोष तो भाई कालिदास की कविता में भी है, जयदेव की कविता में भी है, लेकिन केशव जी काश्मीरी आपकी कविता में भी 5 गुण है। तो इस तरह गुण दोष का तो क्या कहना। हरे कृष्ण, कोई आवाज उत्पन्न कर रहा है तो एनीवे, क्या दोष है भक्तों कि कृष्ण ने उस कमल को देखा तब राधा रानी की याद आई। अगर इस बात को हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो विचार करने पर विवेकपूर्ण एक प्रश्न और एक दोषात्मक प्रश्न होगा, तो क्या उसके पहले राधा रानी की याद नहीं थी कृष्ण को? कमल देख के याद आई तो याद नैमित्तिक हो गई, कमल निमित्त बना कृष्ण को राधा का स्मरण कराने के। लेकिन वर्णन तो ऐसा शास्त्रों में मिलता है कि कृष्ण एक क्षण के लिए भी वृषभानु नंदिनी से अलग या उसको भूलना हुई असंभव। चंद्रमा से जैसे चांदनी अलग नहीं हो सकती, दूध से जैसे धवल था, ऐसे कृष्ण से राधा अलग विलग है नहीं। और यह किंचित हम विलग मान ले बाह्य रूप में प्रकट लीला में, लेकिन अतरंग संग जहां याद की स्मरण की बात है तो नित्य है, अखंड है। तो राधा रानी का ये जो भूल, मतलब इसका यह कृष्ण राधा रानी को भूल गए, कमल को देखा तब याद आई। तो ये राधा रानी की बात कमल से निमित्त बनी और मतलब भूल गए, लेकिन कृष्ण स्वरूप स्वभाव से कभी राधा को भूल ही नहीं सकते एक क्षण के लिए। और कृष्ण राधा को भूल गए अगर इस बात को हम मान ले तो कृष्ण के प्रेम में न्यूनता आ जाए, कमी हो जाए, तो ये न्यूनता का दोष हो जाए। तो फिर प्रभु जी इसको हम कैसे ले? तो आप सुनिए हमारे आचार्यों की वास्तविक कथा को। ये भी ये ब्रज में आपको कथाओं में सुनने मिलेगा संतों के मुख से, लेकिन जब परंपरा से किसी वैष्णव आचार्यों के माध्यम से जब आप लीला श्रवण करोगे तो उस लीला का सिद्धांत के अनुसार सार तत्व कृष्ण प्रेम तक पहुंच पाएंगे। अब वर्णन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रस में, राधा रस सुधा निधि ये कृष्ण के ही हृदय का बात, और उसी में बाह्य रूप से तो मिल नहीं पा रहा है,
जा नहीं पा रहे, लेकिन उसके चित्त से एक क्षण भी ब्रज वृंदावन या राधा कभी अलग विलग है नहीं। तब श्री यमुना महारानी माध्यम, यमुना मथुरा में भी है और वृंदावन में भी, और राधा कृष्ण के मिलन की अगर साक्षी है तो श्री यमुना जी, क्योंकि रास भी यमुना तट पे होता है, कुंज निकुंज भी यमुना तट पे ही है, और यमुना जी भी प्रिया है भगवान की, तो यमुना जी है प्रमाणिक साक्षी। तो हुआ क्या कि यहाँ पर श्री वृषभानु नंदिनी वन गमन करते ही, वन में जाती यमुना देखती ही कि प्रियतम माधव की श्याम सुंदर की स्तुति में विप्रलंब में विरह भाव में रोती है, तो राधा रानी के आंख का अश्रु जब गाल कपोलों पर बहता हुआ वक्षस्थल पर आता हुआ और वहां पर लगा हुआ केसर कस्तूरी आदि लेप को धोता हुआ जब यमुना में आते ही यमुना में वो जल गिरता है, और उसी यमुना में वो राधा रानी का प्रेम अश्रु प्रसाद जब यमुना जल में मिश्रित होता है तो राधा रस प्रेम की खुशबू से सुगंधित ये यमुना का शीतल पावन पवित्र जल बहता हुआ श्याम सुंदर मथुरा में यमुना जी में जब आचमन करते हैं, जिसके चित्त में हृदय में रोम रोम में राधा 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 स्मरण चल रहा है, और उसी समय ठाकुर जी ने अंजलि भरी और मुंह के पास ले जाते ही वो खुशबू राधा के अंग की, राधा के केसर कस्तूरी सौरभ की, नासिका हृदय नासिका से हृदय में जाते ही वो पान करते ही विह्वल हो गए ठाकुर जी, रह नहीं पाए कि याद तो सतत थी, लेकिन अब क्योंकि अब ये साक्षात यमुना जी ने राधा रानी का प्रसाद अपने प्रियतम श्याम सुंदर तक पहुंचा दी, और इस प्रसाद की प्राप्ति करके कृष्ण का विरह व्याकुलता जो याद थी वो उत्कंठा ऐसे सुनामी उठी, और उसी समय उद्धव जी आए और भगवान ने गृहीत्वा पाणिना पाणि, जो सुखदेव जी ने लिख दिया कि उद्धव का हाथ पकड़, पाणी मतलब जिससे कर्म किए जाए, तो भगवान ने अपने एक हाथ से उद्धव का हाथ पकड़ लिया। गृहीत्वा पाणिना पाणि, किसने प्रपन्नांति हरो हरि, जो प्रपन्न चरणों में जो आश्रय ले, पैरों में जो पत हो जाए गिर जाए, उनकी आरती उनका कष्ट दुख हरने का जिसको स्वभाव है, ऐसे श्री हरि श्री कृष्ण ने उद्धव का हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि अब रहा नहीं जाए, खुद नहीं जा सकते, उसको बुला नहीं सकते, इसलिए भगवान ने सोचा कि ये मेरा सखा। देखो सखा किसे कहते हैं, चलो अब उद्धव जी के 6 गुण कल बताए थे संक्षेप में, और इस श्लोक में और 3 गुण है, भक्ता पृष्ठ और एकांतिक, ये 3 उसमें है, और कल तो 6 आए थे, जैसे वृष्टिना प्रवर, प्रवर मतलब वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ, और वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ, और जो जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मतलब क्या, श्रेष्ठ मतलब जो जिसके साथ अभिजात्य हो, मतलब जिसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट हो, साथ साथ में उसकी, साथ साथ में उसकी नीतिता पे उसकी विद्वत्ता पे हमें विश्वास, अर्थात कहने का अर्थ है कि जो कुल खानदानी हो, ऊपर से उसमें विद्वत्ता हो, साथ में वो नीतिज्ञ हो, और उसका वाणी व्यवहार बिल्कुल विनम्र अनुकूल हो, ऐसे सारे गुणों में श्रेष्ठ प्रवर। वरम लिख देते तो कुछ बात हम काट देते, लेकिन प्र उपसर्ग लगा दिया, प्रकृष्टम वरम अर्थात प्रवर, श्रेष्ठ मतलब प्राय सभी विषय में श्रेष्ठ, विद्वत्ता में, नीतिज्ञता में, बोलने में, विनम्रता में, प्रसन्न करने में, सबको कुल खानदान सब में श्रेष्ठ, प्रवर मतलब ऑल इन वन सब में एक्सपर्ट, ये अर्थ होगा अगर इसको हम विस्तार से करें, और ऐसे कोई भेजना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे महाभारत में
ऐसे उदाहरण रसाभास का है लेकिन समझने के लिए कि रुक्मणी ने कृष्ण को संदेश देने के लिए ब्राह्मण को भेजा वो प्रेम पत्र, क्यों वहां पर लिखा है श्रीधर स्वामी आदि आचार्य कि वो विश्वास ब्राह्मण रुक्मणी का, और उसको पता था कि ये ब्राह्मण है इसलिए ब्रह्म खानदान ब्राह्मण कुल का है तो विद्वान भी है, और विद्वान है प्लस इसके ऊपर विश्वास है, क्यों क्योंकि ये अपना है वो सुदेव नाम का ब्राह्मण था प्रभु जो रुक्मणी का प्रेम पत्र लेकर गया। रुक्मणी ने किसी कबूतर को नहीं दिया ना तो ट्विटर व्हाट्सएप उस समय कुछ था नहीं, पहले ब्राह्मण लोग ही जाते ब्राह्मण पर लोगों को विश्वास ब्रह्म कुल पर। तो जैसे कृष्ण को संधि दूत बनाने के लिए जब वो विराट में सभा लगी महाभारत में तो प्राय सब कह रहे थे कि भाई ये मैसेज लेके कौन जाए, संदेश देने के लिए कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं चलता क्योंकि संदेश देने वाला उस राजा का या उस प्रियतम का प्रतिनिधित्व करता है, वो कुछ गड़बड़ कर दे तो पूरा महाभारत युद्ध हो जाए। जो संदेश देने वाला है वो बहुत कुलीन खानदानी विवेकी विद्वान नीतिज्ञ और विश्वास और आत्मीय होना चाहिए ना, जैसे श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम धन संकीर्तन जो ये मिशन है एम्बेसडर ऑफ बोलो वृंदावन राजदूत है श्रील प्रभुपाद, ये भी दूत क्योंकि भगवान का संदेश लेकर आए हैं यहाँ जो हम भूले हुए, तो संदेश देने वाला वो कोई सामान्य नहीं होता। और खासकर भगवान कृष्ण को दाऊ दादा ने कहा, सबने कहा कि बलराम बड़े हैं और वे जाएंगे और दुर्योधन उसका चेला है उसकी बात जरूर मानेगा, तो सब विराट सभा में युधिष्ठिर आदि और द्रुपद आदि राजाओं ने निर्णय किया कि दाऊ दादा को भेजते हैं संधि संदेश दे, लेकिन दाऊ दादा ने कहा कि सुनिए आप सब निर्णय करके कह रहे हो कि मैं जाऊं, लेकिन अब मेरी बात सुनिए कि मैं कहता हूं कि कोई भी यहाँ पर जो बैठा है इससे विद्वान विवेकी लेकिन इन सब में बेस्ट है कन्हैया, दाऊ दादा कन्हैया है ये जाए, क्यों क्योंकि इसके पास जो बोलने की कला है समझाने का जो उसके पास, और आप लोग मुझे कह रहे हो कि मैं जाऊं मैं समझाऊंगा लेकिन वो सामने वाली टेढ़ी खीर है आप सब जानते हो, समझने वाले लातों के भूत बातों से भी मानते ना, फिर दाऊ दादा ने कहा कहीं मैं गया और नहीं माना ना तो उसी समय सबका समाधि बना के आऊंगा वही लीला खत्म हो जाएगी क्योंकि दाऊ तो दाऊ है, इसलिए कहा कि देखिए कुछ इधर उधर हो जाए उत्पटन करेगा इसके कन्हैया सब समझ ये जाएगा संधि दूत बना के मैं कह रहा हूँ, फिर कृष्ण गए आप सभी जानते हो। इस पर तो महाकवि भास ने बड़ा संस्कृत में ग्रंथ लिखा है दूत वाक्य, क्योंकि वहां पर जो बात हुई ना दूत बन के कृष्ण क्या बोले कि सब विद्वानों ने चिंतन किया है महाभारत, कभी सुनना चाहिए प्रेमी वैष्णव से ये सब बात। एनीवे यहाँ पर उद्धव को दूत बना के भेजा जा रहा है क्योंकि वो प्रवर थे, और दूसरा क्या है कि प्रवर मतलब इतने श्रेष्ठ थे कि विलक्षण बात उद्धव की क्या थे जानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति होता है दूर दूर तक वो रिस्पेक्टेबल होता है सब उसको आदर देते हैं, लेकिन प्राय देखा जाता है संसार में कि दूर दूर तक लोग उसको पूजते लेकिन उसके घर वाले उनकी आदर नहीं करते, तुलसीदास राम बोला हे राम बोलो आगे मतलब है ना घर की मुर्गी डाल बराबर ऐसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति मंदिर में बाहर देश में बहुत पूजा जाता है लेकिन घर वाले क्योंकि वो तो समझते हमारे पेन हमारे सामने चट्टी पेन के पड़ा हुआ है इसको क्या है मूर्ख, घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन उद्धव ऐसे व्यक्ति थे कि पूरा वृष्णि वंश एक से एक बड़े बड़े लोग उद्धव को घर वाले जो उनके खानदान के उनके परिवार के वे भी उनको रिस्पेक्ट करते थे, और ऐसा गुण प्राय सब में नहीं होता, घर वाले कोई चाचा हो या भाई हो कजिन ब्रदर वो इज्जत करता है उसके मन में कभी आदर व्यक्ति का होता ही नहीं, ये प्राय देखा जाता है, और ये बड़े बड़े जैसे नरसिंह मेहता का चरित्र उसका भाई उसको कुछ भी नहीं मानता उसकी भाभी उसको गालियां देती, आप प्राय किसी भी संत के चरित्र पढ़िए इसमें आपको ये जरूर मिलेगा, लेकिन उद्धव विश्वसनीय व्यक्ति थे और आदरणीय व्यक्ति थे और घर में बाहर दोनों क्योंकि आचरण
भाषण और वेशभूषा और विनम्रता, सुष्टु सारम मितम मधु, ये जो वाचा के गुण है, वाणी के चार गुण है ना, सुष्टु सारम मितम मधु, इसकी व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन आप विद्वान लोग हो समझ जाओगे। तो इसमें उद्धव जी बहुत एक्सपर्ट थे। और दूसरा मंत्री, मंत्री मतलब जैसे कल तो हमने कहा मंत्रणा, लेकिन एक सार बात क्या है कि मंत्रणा करना जाने, ओके जैसे नहीं चलेगा, मंत्रणा गुप्त रखना जाने। उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा तो सीधे गए ब्रज में, ऐसा नहीं कि पूरी मथुरा में देखो मेरे को कृष्ण ने भेजा मैं जा रहा हूं, प्रेम का संदेश लेके गोपियों को सुनाऊंगा। हमारी तरह होता तो पूरा ग्रुप में भेजते रहता लेकिन कृष्ण को पता था कि मैं जो यहाँ कहा हूं सीधा जाके वही कहेगा बीच में कहीं। मंत्रणा जितनी गुप्त रखी जाए उतनी ही सफलता प्राप्त होती है। हमारे संस्कृत में नीतियों में पढ़ाया जाता है कि षट करने छह कान में गई तो उनको बात फूट जाएगी, चार कान में रही तब तक सेफ है, और दो कान में तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकता अगर उस मन में रखे। मतलब एक व्यक्ति के पास दो कान होता है, अगर बात दो कान तक है तब तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाएगा कि क्या है लोग का फंडा, लेकिन किसी एक को कहा मतलब चार कान में गई, चलो चार कान में भी बात कहीं तक तो रुक सकती है, लेकिन छह कान में गई मतलब आगे बिंदी लगा जीरो लगाना चाहिए, फिर तो 600 तक जाएगी, फिर वहां से बात निकल गई यहां से। तो मंत्रणा, मंत्रणा गुप्त रखी जाती है, मंतु गुप्तम परिभाषणे, ये सब आचार्य ने लिखा है, जहां गोपनीयता हो वही तो, जो गुप्त है वही तो मंत्र है, जो गोपनीयता है वही तो मंत्रणा है। और आजकल ये संसद को सीखना चाहिए, लेकिन सब वहां झगड़ा होता है बाहर आ जाता है, लोगों की श्रद्धाएं उड़ जाती, मंत्रणा गुप्त रहती नहीं आज। और इसीलिए तो देखो इतना झगड़ा पड़ा, इतना संबंधों में ये सब इसी के कारण, सब सबका जान रहे इसीलिए किसी का किसी के प्रति विश्वास श्रद्धा सब चौपट हो रहा है। तो चलो मंत्री है प्रवर है, इतने से भी काम नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो है ना सखा होना चाहिए। तो इस पर बात हमें कहनी थी। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि आयु वही उम्र में जो भी उम्र में भी ये समान थे, आयु में समान थे और परम विश्वसनीय, परम विश्वासुदी, लेकिन चलो प्रवर है मंत्री है सखा है, लेकिन प्रिय भी तो होना चाहिए। दैत कई लोग भी तो मंत्री होगा लेकिन प्रिय नहीं होगा, तो मंत्री सोचेगा ना कि भाई सलाह हमसे लेते मंत्रणा हमसे करते और प्रेम किसी और से करते, लेकिन ये तो सखा भी है और प्रेमी भी है। दूसरा को उसके पहले था कि वो मंत्री भी है, उसके पहले था कि वो श्रेष्ठ है, और फिर चलो सखा है दैत है, लेकिन नीतिज्ञ नहीं होगा तो, विद्वान नहीं होगा तो, बोले शिष्य बृहस्पति साक्षात, अब क्या कहना, बृहस्पति का साक्षात पढ़ाया हुआ ये बेटा है, इसलिए विद्वत्ता और नीतिज्ञता की भी सीमा पार कर चुका है। बोले फिर भी चलो कोई ज्ञानी हो ध्यान बुरा हो, लेकिन किससे कैसे मिलना चाहिए बात करना चाहिए उतने माहिर न हो। बोले बुद्धि सप्तम, बहुत बुद्धिमान है, किससे कितना कितना बोलना कैसे बोलना कब बोलना इसका रिजल्ट क्या आएगा इस पर बढ़िया से विचार करते थे उद्धव। और जैसे हमारे वृंदावन में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सुबल नाम का सखा था जो नर्म सखा था, और कृष्ण सुबल को इतना मानते थे कि सखियों को मैसेज देना हो तो भी सुबल को भेजते, नंद यशोदा को मैसेज देना हो तो भी सुबल को भेजते, और अपने सखा मधुमंगल आदि टीम को भी मैसेज देना हो सुबल को प्राय भेजा जाता। तो सुबल जैसे माता पिता से मैसेज देगा तो उस वात्सल्य रस वाले ऐसा मैसेज देगा, यहाँ पर सखियों को मैसेज देने जाएगा तो ऐसा उसमें भी उसको उसकी बुद्धि है उस रस, और अपने सखाओं में तो सखा था ही था। ऐसे उद्धव भी ऐसा सखा गुण देख रहे भगवान कि ब्रज में जाएगा तो नंद यशोदा को भी ये समझाएगा, वहां हमारे जो मित्र मंडल है इनको भी ये समझा सकता है, और गोपियों को जो माधुर्य रस में है, वात्सल्य साख्य माधुर्य आदि रसों के जो भी भक्त है उन सब के पास उद्धव पैसा।
क्योंकि ये उद्धव मेरा सखा भी है, मेरा प्रेमी। और ऐसे ऐसे उद्धव को भगवान भेज रहे हैं। और इस श्लोक में क्या कहा गया, गृहित्वा पाणि ना पाणि। सनातन गोस्वामी की टीका में आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, बेहद वैष्णव तो बड़ा सुंदर भाव लिखते कि भगवान ने उद्धव का हाथ क्यों पकड़ा। ऐसे भी बात कर सकते थे। लेकिन उसके पहले उद्धव के जो विशेषण दिए गए हैं कि प्रेष्ठ मतलब प्राण से भी प्रिय और विश्वास, और दूसरे उद्धव भक्त है। अपने अगर हरिश्वर जी की टीका है हमारे गुरुदेव से कभी सुनी हो प्रसंग में भागवत के दशम स्कंध की कथाओं, तो भक्त शब्द का अर्थ बात किया गया, भात चावल। और भात को देखो, आपने सबको पता है कि उसकी जो भूसी होती है स्थूल, उसको निकालने के लिए कूटना पड़ता है। राइस को आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के स्तुति में, ये तुषा स्थूल घाती न शब्द भी प्रयोग किया है ब्रह्मा जी, है ना। श्रेयम श्रुति भक्त भी विदशिते भी, वो ऐसा कुछ श्लोक है उसमें, है ना, कि स्थूल तुषा व घाती, जैसे वो थोथा भूसी पीटने पर क्या मिलेगा जिसमें से चावल निकाल दिया गया। तो जहां पर भक्ति नहीं तो फिर क्या, तो चावल में वो जो धान में जो वो भूसी होती है उसका कवर होता है, उसको निकालने के लिए उसको कूटना पड़ता है, पीसना पड़ता है। तो हम भक्तों को भी भाग मतलब उसके तारतम्य में या संतों ने समझाया कि अगर वी आर डिवोटी, अपने को मानते हैं, हम लोग क्लेम करते हैं कि टू बी आवर वैष्णव है, जैसे आप लोग सुबह पढ़ते हो, तो उसको क्या उसे किटकूटना पड़ेगा, क्योंकि आवरण निकालना है। आवरण मतलब हमारी उपाधि, हम ये है वो है, सर्व उपाधि निकालो, आप कृष्ण के दास हो और कृष्ण की सेवा में कृष्ण की साधना में आपको पीसना है, आपको कूटा जाएगा। तो बाह्य रूप से देखो भात को पीसा जाता है और उसके बाद भी क्या किया जाता है, उसको तपाया जाता है, तब नरम बनता है ना। राइस आप लोग रोज खाते हो भाई, जगन्नाथ पात जगत पसारे हाथ। और इसकी सुंदर व्याख्या हरिश्वरी जी ने की है, जब भगवान भात का कवल लेकर ब्रह्म स्तुति में जब दर्शन देते थे, और वहां पर भात को भक्त की उपमा, क्योंकि भगवान भात का कवल लिए लिए चल दिए गई बछड़ों को ढूंढने के लिए, भगवान ये सोच रहे कि मैं किसी भी अवस्था में मेरे भक्त को छोड़ नहीं सकता, वहां पर ये भाव है ना। तो उसी को यहाँ मैं स्मरण कर रहा हूँ कि उद्धव को भक्त कहा है, और उसके ऊपर भज धातु से आप बहुत बातें इधर उधर लो ले लो, लेकिन भज्यते जिसको जिसको तपाया जाए, पीसा जाए, भूजा जाए और फिर भी वो खिले, जैसे भात राइस। अब क्या होता है, राइस को तपाया तब तो वो नरम बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा भी कड़क रह गया तो वो अच्छा नहीं माना जाता, कच्चा माना जाता है ना। इसलिए भक्त को भी थोड़ा कष्ट माया ये सब होगा, लेकिन तितिक्षा उसको तपना है तभी तो नरम बनेगा। अब कृष्ण भात का, जगन्नाथ जी भोग लगा, अब भात की कितनी वैरायटी है, पुलाव है, बिरयानी है, हाँ, और फिर मीठा भात है, तीखा भात बनता है, खट्टा भात, हल्दी वाला, कितने राइस की आइटम बनती है। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा आप लोगों को पोंगल बना, तो दो तीन दिन पहले उसको भिगा के पानी में रखा जाता है, अब राइस की कितनी वैरायटी। ऐसे भक्त मतलब भात मतलब भक्त, तो भक्त भी अलग अलग रस में होता है भगवान, कोई माधुर्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, कोई दास भाव में, कोई साक्ष्य रस में, सब भक्त है, सब में अलग अलग रस है। इस तरह भक्त से भात से तुलना करके हमारे आचार्यों ने हमको समझाया कि यहाँ उद्धव को भक्त कहा गया है, हमें भी तो भक्त बनना है, हम भक्त है लेकिन भूल गए, इसलिए हमें भी तपाया जाएगा, पीसा जाएगा, कूटा जाएगा, उसमें हमें निखरना है, नरम विनम्र बनना है, दैन्यता में आना है, और भगवान को फिर अपने आप को चढ़ा देना है ताकि भगवान हमारा भोग करे, भोगता राम यज्ञ तपसा। फिर रस कोई भी हो, वात्सल्य साख्य आदि, इस तरह हम प्रेष्ठ पर भक्त पर, लेकिन एकांतिन ये जो शब्द है उद्धव को, तो यहाँ पर दो बातें लिखी गई कि उद्धव एकांति न भक्त है, अथवा दूसरा अर्थ कि उद्धव को एकांति न, ऐसा क्लोज फ्रेंड है कि उसको एक अलग ले गए भगवान मथुरा में, कि इधर आओ इधर आओ,
एकांत स्थान में। अब एकांति न भक्त किसे कहते हैं, इस पर एक चिंतन में एक श्लोक हमको मिला कि विहाय पितृ, हमारे टीका में कि विहाय पितृ देवादि परिनिष्ठा गतो हर, माता पिता देवता आदि सबको छोड़ के एकमात्र निष्ठा परम निष्ठा भगवान हरि में हो और तद गाढ़ प्रेम भी पूर्ण एकांतिनो गद्यते। एकांतिन भक्त किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं कि जिसको माता पिता, वो इससे बड़ा तो शब्द कोई होता नहीं संसार, माँ से बढ़कर बाप से बढ़कर, लेकिन जैसे भक्त के स्वरूप लक्षण की चर्चा जब कपिल देव भगवान करते हैं तो मदर से त्यक्त कर्माणी त्यक्त सर्व देही का, पहले तो ततश लक्षण बताया तितिक्षव कारुणिका सुयदा, ये बाह्य लक्षण है भक्त के, वो सह लेता है, वो साधु होता है वो सब, लेकिन स्वरूप लक्षण क्या है कि कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार, भगवान उद्धव भगवान वहां कपिल सुनाते। और इसमें देखो अर्जुन करिष्ये वचनम तव, भगवान की आज्ञा के लिए लड़ने को तैयार, और गोपिया को तो कहना ही क्या जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है। तो एकांतिना जैसे आपके लिए वो है ना गजेंद्र स्तुति में ये शब्द से एक श्लोक चालू होता है, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना अति अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। गजेंद्र जी कहते ना एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना, भगवान की शरण जिसने लिया है एकांतिना। तो एकांत ना मतलब एक में ही जिसका अंत है, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, उद्धव जी के लिए एकांत। इस पर एक श्लेष अर्थ ये भी है, श्लेष मतलब छुपा हुआ अर्थ, कि ये मेरा उद्धव इतना मेरा आत्मीय है और इतना मेरा दैत है प्रिय है और इतना मेरा सखा है कि एकांत में ये स्त्रियों से बात कर सकता है गोपियों से, क्योंकि सबकी सामर्थ्य नहीं है। उद्धव जी के विषय में दो बातें हमको कई बार चिंतन में आ जाती है और इस पर हम सोचने लग जाते हैं, विवश हो जाते हैं कि ब्रज वनिता है, ब्रज की गोपियों के बीच अकेला वक्ता है उद्धव, लेडीज प्रोग्राम और कोई कर नहीं किया नहीं उद्धव का, और वहां पर भी 16108 रानियों को भागवत कथा के लिए भगवान ने उद्धव को चॉइस किया कि तू सुनाएगा, और कोई पुरुष नहीं था, प्राय सब रानी। यहाँ भी उद्धव स्थली में जो आप दंत भगवान पे केवल गोपियों को भक्त, तो ये किसी सामान्य व्यक्ति की औकात नहीं है भैया, हमारे हिंदी में एक शब्द कहो, लेकिन उद्धव कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि भगवान को पता है काम को जीत चुका है, इसका कहने का तो ब्रज वनिताओं का सौंदर्य, लेकिन क्या उद्धव है उस लायक कि जहां पर गोपियों को कृष्ण का वियोग प्रेम संदेश दे और गोपियां भी उसको संदेश देगी जो लेकर आएंगे, और तभी तो उद्धव उस स्थिति में पहुंचे हैं आसाम हो चरण रेणु जैसा व्याम कह दिया। संत लोग सुनाते कि कृष्ण को आकर उद्धव कहते कि प्रभु उन गोपियों का संदेश आपको देना नहीं होता ना तो मथुरा लौट के आता, मेरी बला मैं आता नहीं, लेकिन उसके लिए मैं आया हूँ और अब यहाँ रहना भी, क्योंकि अब तो कुछ बात है राधा रानी ने दे दिया था प्रेम ब्रज वृंदावन जो कृष्ण यही तो चाहते, और उद्धव इस रस से क्योंकि मेरा सखा है तो प्रेम चाह, और उद्धव जब गोपी प्रेम की सराहना करेगा तब पूरा विश्व वैष्णव जगत मानेगा कि ब्रज की गोपियां क्या। ये सब आगे पीछे आचार्यों ने चिंतन किया है, तो देखो हम एकांतिन शब्द पर कुछ विचार कर रहे हैं। और दूसरा श्लोक में है हरि, देखो ये दोनों हर और हरि धातु तो एक ही लगते है हरना हरि धातु, लेकिन एक का काम है हरना, जैसे भगवान हरि हर लेते, लेकिन आरती हर, जैसे वो श्लोक है ना हरती इति पापानी अनिच्छन, कोई जानते अजानते भी हरि बोल देगा ना तो दुष्ट चित्ते रपि, दुष्ट व्यक्ति भी कुभाव से भी अगर हरि बोल दे अनिच्छन अपि विनश्यन्ति दहति एव पावक, जैसे अग्नि में कुछ भी डालो जल जाएगा, ऐसे ही लकड़ा डालो चाहे पत्ता डालो, ऐसे ही हरि का स्मरण
दुष्ट चित्त में भी कहीं भी किया जाए, लेकिन हरि का स्वभाव है कि हरति हरि पापान, सारे पाप दुख दर्द भगवान हर दे। अब भगवान शंकर भी हर है और ये हरि है, हरि हर। हमारे गुजरात में जब महाप्रसाद चालू करना तो कहते हरि हर, मतलब भोग लगा खाओ महाप्रसाद हरि हर। और हरिद्वार हरिद्वार लपड़ा चलता है, झगड़ा होते रहता है, लेकिन अर्थ समझना चाहिए। सर्व अमंगल हरे, और अपना प्रेम दे देते हैं भगवान, इसलिए हरि कहते। और जो उनकी शरण में आ जाए, प्रणत देहिना पाप दर्शन गोपी की, ऐसे ही प्रपन्न आरती हरो हरि, अपने शरणागत का सारा दुख दरिद्रता पाप हर लेना, जिस ठाकुर जी का कृष्ण का स्वभाव है वे हरि। गृहित्वा पाणी ना पाणी, उन्होंने अपने हाथ से, अर्थात जिस हाथ से लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है, पाणी ग्रहण किया है रुक्मिणी का, वही करेंगे आगे, वही हरि आज उद्धव का हाथ पकड़ रहे। त्रिपाठ सनातन गोस्वामी उस पर लिखते हैं भक्तों कि निजेष्ट प्रयोजन, अपनापन है, जब किसी से अपनापन होता है ना उसका हम हाथ पकड़ते। अंदर का अर्थ क्या है कि भगवान उद्धव को अपना मानते हैं। कल हमने कहा था ना वो 4-3-31 श्लोक है भागवत में, 3 तीसरा अध्याय 4 स्कंद 21-31 होगा न, अणु अपि उद्धव मम न्यून, मेरे से अणु मात्र भी उद्धव कम नहीं। तो आत्मीय है, तो अपना इच्छा दिल का बात, जो अपने व्यक्ति को ही कहा जाता है, और एकदम दिल से जो निकट हो ना उससे हाथ मिलाया जाता है बाह्य नीति में। तो निजेष्ट प्रयोजन है, अपना इष्ट मानकर, और इसलिए अपना प्रयोजन सुनाने के लिए उसका हाथ पकड़ रहे हैं। किंबा परम गोप्यत्वेन शनि निकटे, अथवा बाह्य रूप में गोपियों को प्रेम का संदेश देना है जो अति रहस्यमय, अति सीक्रेट, अति गोपनीय है, इसलिए उद्धव का हाथ पकड़ के, जैसे हम लोग किसी बिजनेस में करते हैं, ऐसे हाथ में कोई चिट्ठी या पैसा तो हाथ में दबा कैसे दे ले लो, पता भी नहीं चलता रो, क्यों, क्योंकि वो सबको दिखाना नहीं होता, इसलिए निकट जाके हाथ पकड़ के पकड़ा दिया जाता कोई वस्तु। तो मतलब अपनापन हो गया, बाह्य रूप से सबसे छुपाने के लिए और निकट जाकर हाथ पकड़ा जाता है, लेकिन अंदर से जो अपना होता है, दिल से हम मानते हैं उससे हम हाथ पकड़ते हैं, अथवा प्रेम भरो स्वभाव, अथवा सनातन गोस्वामी तीसरा कारण दे रहे कि भगवान का स्वाभाविक उद्धव के प्रति प्रेम है, और उद्धव का भी कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। तो प्रणय आधिक्येन, अर्थात अंगीकार करने के भाव से, देखो हाथ पकड़ना मतलब क्या, पाणी ग्रहण मतलब आप सभी समझते हो, सबसे बड़ा ग्रहण है, और कितने लोगों को लग गया है ग्रहण। देखो सूर्य ग्रहण आधा घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, साल में 1-2 बार होता है, चंद्र ग्रहण भी ऐसा ही, लेकिन ये प्राणी ग्रहण एक बार लग जाए ना, आदमी चिता पर चढ़ता है ना तभी समाप्त होता है पाणी ग्रहण। हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं कि एक लड़का पूछा शादी में अपने पप्पा से कि पप्पा ये शादी में स्त्री पुरुष हाथ क्यों मिलाते, अष्ट मिलाप होता है ना पाणी ग्रहण, क्यों मिलाते। उसका पापा बोला कि तूने बॉक्सिंग देखा है, WWF, बोला हाँ, उसमें लड़ने से पहले 2 पहलवान हाथ मिलाते कि नहीं, बस ये लोग इसीलिए हाथ मिला रहे कि बाद में लड़ने वाले ही। देखो मेरा प्रैक्टिकल जवाब दिया कि 2 पहलवान लड़ने से पहले क्या करते हैं, हाथ मिला देते। तो ये देखो जितने भी अस्त मिलाप हो रहे हैं ना पाणी ग्रहण, समझ लीजिए, पहले साल में तो कहता है कि तू है तो मैं, फिर कहता है मैं हूं इसलिए तू है, दूसरे साल, तीसरे साल में या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। हमारे गुजराती में कहते हैं कि पहला कहते तू छे ना अटले हूं छो, बीजा वर्षे हूं छो ना अटले तू छो, तीजा वर्षे कहा तू नहीं का हूं नहीं, जो कही जाए महाभारत ऐसे होता है। तो 2 पहलवान हाथ मिलाते ऐसे, मतलब तो मैं आपको विनोद में सुना रहा हूं, लेकिन हस्त मिलाप जो प्रक्रिया है वो निश्चित बताती है कि कुछ मित्रता हो अपने। अभी कोरोना है, हाथ तक मिलाइएगा, नमस्ते करिएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान
गृहित्वा पाणी ना पाणी, उद्धव जी का हाथ पकड़कर निकट जाकर अब सुनाने जा रहे, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य, हे उद्धव जी तुम वृंदावन में जाओ। इस तरह भगवान उद्धव को वृंदावन भेज रहे। तो समय हो गया, धन्यवाद आप सब भक्तों ने सुना। कल फिर सुनेंगे तीसरा श्लोक कि भगवान उद्धव को ब्रज में भेजते हुए क्या मैसेज देते। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने कहा कि इसमें भी उद्धव के तीन गुण बताए गए, यहाँ पे भी तो वो तीन गुण कौन से थे प्रभु? प्रेष्ठ, देखो श्लोक देखिए 1046 टू प्रेष्ठ मतलब प्राणप्रिय, प्राणप्रिय अच्छा प्रेष्ठ भक्त अच्छा। और तीसरा एकांत नाम। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जी तीन नाम है। प्रेष्ठ है, मैंने जैसे प्रेष्ठ पर थोड़ा ही बोला प्राण, लेकिन मैंने भक्त का व्याख्या किया कि आप भक्त हो, दूसरा मेरे प्राण से प्रिय हो, और तीसरा एकांती ना मतलब मेरे अलावा आप किसी को नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको अपनी दिल की बात कहूंगा। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, तो जो ने आपने बताया वो भौतिक प्रकृति का तीन गुण से डिफरेंट है। सॉरी क्या कहा? जो गुण आपने बताया वो गुण भौतिक प्रकृति का तीन गुण से अभी डिफरेंट है। किसका? उद्धव का। हाँ देखो, भौतिक प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ये संसार में काम करते हैं। और भगवान की जो लीला है, अभी बात चल रही है मथुरा वृंदावन की, ये नित्य धाम है जो तीनों गुणों से परे, तो यहाँ पर जो भी होता है वो योग माया और भगवान की इच्छा से। तो तीन गुण अलग है, और उद्धव के जो ये गुण बताए जा रहे हैं वो उनकी क्वालिटी है, उनकी विशेषता। तो ये तीन गुण की बात अलग है, वो अलग है, जहां तक मैं आपका प्रश्न समझा। ओके, ओके और कोई प्रश्न है किसी का? चलो अच्छा है, आप सभी बहुत सब सब समझ गए, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं समझे, इसलिए भी प्रश्न नहीं है। तो जो भी हो, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ये जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ 10 canto 46 चैप्टर, इसके पहले दूसरे श्लोक पर चर्चा हो रही है, कल आप भागवत रखिए अपने सामने या श्लोक, तो फिर आप और अच्छे से समझेंगे। कल हम तीसरा चौथा पांचवा श्लोक लेंगे और इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु जी अभी भी रखी हुई है भागवत, बहुत अच्छा है। तो देखो ये अब मुझे लगता है कि हमने आज रिपीट भी किया और दूसरा श्लोक भी किया, तो बहुत सारे उसके उद्धव के शब्द और गुण आप सबको ऐसे ही याद हो जाएंगे, श्लोक उस तरह सुनेंगे। इनमें से पहला श्लोक आप सबसे निवेदन है कि पहला श्लोक सबको याद होना चाहिए, वृष्टि नाम प्रभु मंत्री, ये श्लोक है ना बहुत फेमस है और उद्धव के गुण है, तो ये श्लोक सब भक्त लोग याद करें तो और अच्छा। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत।